वहाँ पे बारिश हो रही है बहुत जोर की, ठीक है, ह्यूज, हरी, बहुत बढ़िया से दर्शन हो गया, वो ठीक है, वो बैठ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। कैसे आप सब, आशा करता हूँ ठीक ही होंगे। सो आज मैं आ गया हूँ वाराणसी में, अभी हम लोग इनके स्कूटी पे जा रहे हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग BHU में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ऐसा है यहाँ पे, मतलब इसका कैंपस तो बहुत सही है, मतलब बहुत बड़ा है, बहुत वास्ट है। झूठ बोल रहा है। तो आप घूम जाएंगे एकदम से, और है तो अच्छी जगह यार। तो फिर अभी जा रहे हैं हम लोग काशी विश्वनाथ टेम्पल दर्शन करने। तो फाइनली हम लोग आ गए काशी विश्वनाथ। तो यहाँ पे दो दो हैं टेम्पल, बट एक अब भी है, दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए पीछे, ये न्यू BT है, VT विश्वनाथ टेम्पल। इसका ऐसा साइज वाइज ये बड़ा है, मतलब हाइट में, और जो पुराना वाला है वो उसका कॉरिडोर बड़ा है, मतलब गेट सामने का। तो वहाँ पे भी जाएंगे, पहले ये इधर लेके आए, तो दिखाता हूँ मैं। ये देखिए, ये देखिए गाइस, इसकी हाइट देखिए, ह्यूज, सब बाजू बाजू ट्रीज एकदम। सुंदर है वो, अच्छा खासा रश है वैसे तो, ठीक ठाक ही है, मतलब ज़्यादा भी भीड़ नहीं है लेकिन कम भी नहीं है। अरे यार, अनफॉर्चुनेटली द मंदिर इज क्लोज्ड। तो अभी क्या करें, अभी क्या करें, पुराने वाले, चलिए अच्छा है लेकिन, बट एम्बियंस बहुत सही है यार। हाँ, शाम को आएंगे। तो फिलहाल अभी पुराने वाले मंदिर पे जाते हैं, विश्वनाथ टेम्पल पे, वो खुला ही रहता है, वहाँ पे जाके देखते हैं। पहले संकट मोचन चलते हैं। हाँ चलिए, फिर संकट मोचन जाते हैं, पहले संकट मोचन जाके फिर वहाँ पे जाया जाएगा, है ना। हाँ फिर संकट मोचन जाते हैं अभी। सडन चेंज इन द प्लान्स। सो अभी हम लोग आए कोल्ड कॉफ़ी पीने, जो विश्वनाथ टेम्पल के बाजू में ही था, तो सोचा कि थोड़ा सा अपना गला वो कर ले, गीला कर ले। हाँ ये कर लो पहले। तो यहाँ पे गुलशन में बोल रहे हैं कि यहाँ पे कोल्ड कॉफ़ी अच्छी मिलती है, तो बैठे यहाँ पे कुछ राइट है, और वहाँ पे बन रहा है कोल्ड कॉफ़ी, वो बना के दे रहे हैं अभी। ये देखिए पूरा एम्बियंस। तो अभी वही कोल्ड कॉफ़ी पियेंगे, फिर संकट मोचन, फिर इसके बाद पुराने काशी विश्वनाथ टेम्पल, तो वहाँ पे तो खुला ही रहेगा, तो वहाँ पे जाके दर्शन कर लेंगे। ये देखिए, ये है बनारस के रोड्स, वेल मेंटेन्ड, ऑल बिकॉज ऑफ योगी जी एंड मोदी जी। तो अब भी संकट मोचन मंदिर आ गए हम लोग, और शायद यहाँ पे भैया बोल रहे हैं कि फ़ोन वगैरह जमा होता है, तो देखते हैं कि अगर अलाउ करेंगे तो फिर इट्स नहीं करते हैं अलाउ, गुड नहीं करते हैं भाई, और नहीं तो फिर दर्शन करके आ जाएंगे, फिर क्या ही दिखाऊं मैं आप लोगों को, ठीक है। वो देखिए मंदिर, संकट मोचन उधर, ये देखिए, ये संकट मोचन मंदिर पीछे, ये देखिए ये पीछे मंदिर है इधर, और ये अभी एक्टिवा हमारी पार्क किया है यहाँ पे, देखते हैं, शायद अलाउड नहीं है, तो फिर हम लोग ऐसे ही जा रहे हैं, बाद में बताते हैं आपको कैसा क्या है। सो वी आर डन विद द विजिट, और हमको कैमरा अलाउड नहीं किया, बट हम लोगों ने बाहर से अंदर जाके दर्शन लिया। यार बहुत सही जगह है, मतलब मज़ा आ गया, एम्बियंस, पीस एकदम सब सही था। और इन्होंने ये इसके लिए किया है कि कोई कैमरा ना ले जाए, क्योंकि शायद बहुत साल पहले यहाँ पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था, तो उसके कारण यहाँ पे फ़ोन्स वगैरह और कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है, तो उन्होंने ले जाने नहीं दिया। तो
ठीक है चलता है, आप क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटी इज द मेन कंसर्न। तो अभी हम लोग जा रहे हैं फिर विश्वनाथ टेम्पल, एंड मज़ा आ गया भाई बनारस घूमने में तो मज़ा आता है। पार्किंग में पहुंच गए, अभी ये सब लिफ्ट में जा रहे हैं, बड़ा सा लिफ्ट है ये यहाँ पे है। तो अभी पार्क कर रहे हैं, पूरा ऊपर जा रहा है ये पार्किंग के लिए, और विश्वनाथ टेम्पल नीचे थोड़ा सा दूरी है। तो ये स्कूटी पार्क करके फिर मैं और कुछ हम ले जाएंगे आगे। ये देखिए पार्किंग आ चुका है, यहाँ पे जो पार्किंग है पूरा पूरा पार्किंग बन गया, बहुत सारी गाड़ियाँ यहाँ पे पार्क हुई है। अगर सही है यार सिस्टम, नहीं सिस्टम सही है यहाँ पे पार्किंग वर्किंग का, कैसे चलना है सीढ़ी मस्त है यार। मतलब अगर आप विश्वनाथ टेम्पल घूमने आ रहे हैं तो अगर आप गाड़ी वगैरह या फोर व्हीलर से जा रहे हैं तो पार्क कर सकते हैं, पार्किंग के लिए जगह है। तो हम लोग तो अभी फिलहाल स्कूटी टू व्हीलर से है, तो दे ओनली चार्ज 20 rupees फॉर वन व्हीकल फॉर टू व्हीलर, एंड आई डोंट नो अबाउट द फोर व्हीलर थिंग। शायद रास्ता यहाँ से जाता है पीछे से ये पूरा, अभी अभी डेवलप हुआ ना सब ये। सी द फॉरेनर्स, फॉरेनर्स आए गाइस, यहाँ पे अक्सर फॉरेनर्स घूमा करते हैं, दर्शन के लिए आते ही है टेम्पल्स वगैरह। मोस्टली वाराणसी तो इसी के लिए फेमस है ना, मंदिर घाट गंगा घाट आरती एवरीथिंग, ये मार्केट वगैरह यहाँ पे सस्ती सस्ती चीज़ें, शायद लोकल्स के लिए सस्ती होंगी लेकिन जो बाहर से आते होंगे तो उनको थोड़ा बहुत बनाया ही जाता होगा। अरे अंकल बोल रहे हैं मारा गोली क्यों ना बोली अंकल का जलवा है गाइस। तुरंत अंकल बोल रहे हैं एक पटाखा मार दो तुरंत गोली खत्म हो जाएगी। सैवेज पीपल्स ऑफ वाराणसी, ये मेन मार्केट टाइप है पूरा ना, चीजें सस्ती रहती है नहीं नहीं जितना बार्गेन कर लो। अच्छा दोस्तों बहुत बढ़िया से दर्शन हो गया विश्वनाथ टेम्पल मंदिर में, मज़ा आ गया। मतलब इधर का भी एम्बियंस तो यार एक नंबर, बहुत बड़ा मंदिर है और बंदर तो इतने की क्या ही बताएं। और अब भी उन्होंने वहाँ पे भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फ़ोन वगैरह कुछ अलाउड नहीं है, तो हम लोगों ने प्रसाद लिया, दर्शन वगैरह किया, तो वहाँ पे ये भगवान का प्रसाद था, उन्होंने वहाँ पे ये माला वगैरह पहना है सब शंकर भगवान का। और ये गुलशन भैया तो अभी बाहर की तरफ जा रहे हैं हम लोग, ये पीछे से ना, पीछे से एंट्रेंस है, तो यहाँ पे बेसिकली चार गेट्स है, आई गेस चार है ना, चार गेट्स है, तो वहाँ पे हर गेट पे मतलब बहुत ज़्यादा लाइन लगी रहती है। बट हम लोग जिस गेट से आए तो वहाँ पे ज़्यादा लाइन वगैरह नहीं था, तो दर्शन बहुत अच्छे से। हाँ शिवम राय, तो वैसे हम लोग जुगाड़ करा रहे थे लेकिन जुगाड़ में बहुत ज़्यादा पैसा जा रहा था, तो उन्होंने सोचा कि यार विदाउट जुगाड़ ही जाया जाए, तो बहुत मज़ा आ गया। ये बाहर आ गए हम लोग मेन रोड वगैरह पे, किस तरफ जाना है, नदी नदी वगैरह किनारे पे घूम के आया जाए क्यों गाइस। ये देखिए मार्केट पूरा इतना बड़ा, अभी नदी के किनारे जा रहे हैं, देखते हैं, ये बोल रहे बहुत अच्छा जगह है, पीस है वहाँ पे भी, देख के आता है घूमने में क्या ही फर्ज है, आखिर वाराणसी में घूमने ही तो आए गाइस। ये है एंट्रेंस विश्वनाथ टेम्पल का, ये गेट 4 है, ये किस लिए यूज होता है,
ये वाला गेट जब मोदी जी योगी जी लोग आते हैं ना तब खुलता है, ऐसे बंद रहता है। ये उनके लिए मतलब, उनके लिए क्या मतलब बंद ही रहता है, जब कोई स्पेशल आता है तो ही। ये देखिए आप पुलिस तो मस्जिद बंद है, यही है बनारस की गलियां। ये गेट नंबर 4 था और भी 4 गेट थे, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि 4 गेट थे टोटल। ये गेट 4 है वो मोस्टली ऑफिशियल्स के लिए रहता, वो गेट 4। तो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते हैं जैसे पीएम मोदी वगैरह या जो भी सीएम वगैरह, उनके लिए है मोस्टली। गाइस फाइनली हम लोग कॉरिडोर में घुसने जा रहे हैं। देखिए ये मणिकर्णिका गेट वाला एंट्रेंस है यहाँ पे, ये पीछे पूरा वहाँ पे भी जाएंगे, अभी दिखाते हैं सब आपको। दिस इज द एस्केलेटर, कहाँ से चले सीढ़ी से भाई, मस्त है यार। अच्छे वो पूरा मणिकर्णिका घाट है, वो एंट्रेंस वो गेट है वो वाला मेन, और ये इधर का एंट्रेंस भाई। हवा अच्छी चल रही है, वो क्या है उस साइड लेफ्ट साइड, ये है सोमनाथ भवन, ये है सोमनाथ भवन पूरा। ये शायद नाश्ता वगैरह के लिए पीछे वो सब नया खुला, वो देखिए वो सब नए रेस्टोरेंट्स खुले हैं, स्नैक्स कॉर्नर। तो जिसको वगैरह नाश्ता वगैरह करना होता है वो उधर करता है जाके। फाइनली ये घाट पे आ गए हम लोग, इतना सेक्सी। ये देखिए व्यू, और ये गुलशन भैया इनके साथ जीवन का आनंद लेते हुए हम दोनों। वहाँ पे पीछे लाइटनिंग हो रहा है यार, बहुत सेक्सी सा, लेकिन कहाँ पे लाइटनिंग हो रहा है वही नहीं पता चल रहा है, थोड़ा बहुत हो जाए तो मजा आता है। सेक्सी सा वेदर, यहाँ पे लोग भी बहुत हैं वैसे तो, और कुछ लोगों तो बोटिंग वगैरह भी कर रहे हैं शायद, पार वगैरह करते हैं घाटी वगैरह। सो गाइस मैं आपको ऐसे जगह पे लेके चलता हूँ जहाँ पे शमशान भूमि है। मुझे तो वैसे दिखाना तो नहीं चाहिए बट ठीक है, दिस इज वन टाइम एक्सपीरियंस, तो आपको मिलेगा भी कहाँ, यहाँ पे सारा वो डेड बॉडीज को जो भी लाश वगैरह रहता है उनको जलाया जाता है यहाँ पे। ये सारे प्लेस है भाई, व्यू बोलते क्या ही सेक्सी वेदर है गाइस। ये देखो ये इधर का व्यू, द परफेक्ट वेदर, द परफेक्ट क्लाइमेट, द परफेक्ट प्लेस टू विजिट। भाई क्या ही प्लेस है, मतलब सेक्सी, मजा सा आ गया। आशा करता हूँ आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं, अभी जोर की बारिश होगी। वो ठीक है, वो एडिट कर दूंगा, फिर कोई दिक्कत नहीं।